हेलो एवरीवन आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ओके okay? आज का जो ये वीडियो है ना ये जो है फ़ैशन फ़ोटोग्राफी के ऊपर है फैशन फ़ोटोशूट के ऊपर है और आप कैसे मॉडलिंग फ़ोटोशूट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ये सब कुछ कैसे कर सकते हो इसके बारे में आप डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझने वाले हो स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही लगेगा जैसे आपको जो ये वीडियो में है पूरा गाइडेंस गया कि कैसे एक फ़ोटोशूट किया जाता है और यही नहीं आप प्रैक्टिकली भी देखोगे हम लोग ने यहाँ पर जो है एक फ़ैशन मॉडल सब कुछ मॉडलिंग वॉडलिंग जो पूरा फोटोशूट रहता है वो स्टूडियो में किया है तो आपको जो है पूरा जो प्रोसेस है वो प्रैक्टिकली भी दिखाने में आएगा तो यही बात है कि ये वीडियो कितना वैल्यूएबल है अगर इतना वैल्यूएबल है तो लाइक like करो शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं और जिनको लोगों की फ़ोटोज़ खींचना अच्छा लगता है जब आप इंसान की फ़ोटो खींचते हो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है उनको भी ये फोटो जो ये जो पूरा वीडियो है आप उनको शेयर कर सकते हो और साथ ही साथ मैं आपको और एक बात बताना चाहूँ कि काफ़ी लोगों ने है हमारा जो कोर्स था ना फोटोग्राफी का कोर्स उसके लिए बहुत लोगों ने रजिस्टर करवाया थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट आई एम सो सो ग्रेटफुल कि लोगों ने जो है इंटरेस्ट लिया है अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स था वो काफ़ी प्रैक्टिकली डिज़ाइन किया गया है लोगों को ऐसा ही लगता है जैसे वो लोग एक क्लासरूम में बैठे हैं अपन अपने कंफर्ट अपने घर के कंफर्ट के साथ तो इसके लिए मैं बहुत लोगों के साथ जुड़ी हूँ काफ़ी लोग अभी भी वेटिंग में हैं बहुत लोग अभी भी फ़ोन कर रहे हैं तो इसीलिए जो है हम लोग और, ए, और एक जो बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त के महीने से तो फिर आप जो है प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप सारी डिटेल्स यहाँ से ले सकते हो अब जो है हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं फैशन फ़ोटोशूट का सबसे पहला सबसे मेन काम होता है कॉन्सेप्शुलाइजेशन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको फ़ोटो खींचना क्या है किस लिए खींचना है क्या काम है उस फोटोशूट का तो आप कैसे काम कर पाओगे कैसे आप एक पूरा फोटोशूट जो है वो अरेंज करोगे कॉन्सेप्शुअुअुलाइजेशन तो मेन है ना अब ये शब्द का मतलब क्या है देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ये समझना है कि ये जो पूरा आप फ़ोटो शूट करने वाले हो हों का, क्या काम में आने वाला है क्या आप अखबारों में या एडवर्टाइजिंग के लिए देने वाले हो मतलब जो बड़े बड़े होर्डिंग्स रहते हैं या मैगजीन्स में जो एडवर्टाइज़मेंट आती है ना क्या आप उसके लिए देना चाहते हो या तो फिर आप एक फ़ैशन का मॉडलिंग शूट करना चाहते हो मतलब काफ़ी लड़कियाँ जो होती है जिनको फ़ैशन मॉडल बनना होता है या फिर फिल्मों में जो लक ट्राई करना चाहती है या पर्सनल के लिए भी काफ़ी लोग जो है अपना फोटो शूट करवाना चाहते हैं यहाँ पर जो है आप एक मॉडलिंग शूट कर रहे हो और जो ये तीसरा है वो ये है कि आपने जो है एक थीम सेट की है आप, आपको कोई कॉन्सेप्ट जो है सबको बोलना है अब ये सबका क्या मतलब है इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं जब आप कोई मॉडल होते हो या टीवी या फ़िल्म में काम करना चाहते हो आपको चाहिए कि आपका जो फ़ोटो है वो ऐसा दिखे जहाँ पर आप सही से दिख रहे हो आप अलग अलग कपड़े में हो, कभी आपने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं कभी आपने मॉडर्न कपड़े पहने हैं आपने अलग अलग वेरिएशन दिखाया है ताकि जो फिल्म के डायरेक्टर हो उनको पता चले कि ये जो मॉडल है वो ऐसे दिखती है इसके लिए आपको एज अ फोटोग्राफ़र उनके फ़ोटोज़ वैसे ही खींचने हैं जहाँ पर जो है बड़े बड़े फ़िल्म के डायरेक्टर या फिर बड़े बड़े जो फ़ैशन मॉडल के जो एजेंसी होती है वो इस मॉडल को समझ सके कि ये करली बाल में कैसी दिखती है ये सीधे बाल में कैसी दिखती है अगर इसका मेकअप हम लोग ने नेचुरल रखा तो ऐसी दिखेगी हाई मेकअप किया तो वैसी दिखेगी एक मॉडल को अलग अलग रूप से आपको कैप्चर करना है और उसके जो फोटोज़ है उसको एडिट करके जो है कंपनी वालों को देना है दूसरा बात ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड में कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको शूट के दौरान फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर ऐसा कोई सीन दिखाना चाहो जहाँ पे है रेप का सीन है ठीक है आप अगर वो रेप के सीन को फैशन शूट के माध्यम से दिखाना चाहो या कोई बंदी बन गया है और वो बंदी बनना का जो जो बंदी बनता है ना जो जेल में जो बंदी बनता है उसका कोई शूट है जो आपको है फैशन के माध्यम से आपको दिखाना है अगर आप ऐसी कोई फ़ोटोग्राफी करना चाहो तब भी जो है आपको फ़ैशन फ़ोटोशूट काम में आएगा और तीसरा यह भी है जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो है एडवर्टाइजिंग वगैरह सारी जगह पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया जब आप कोई प्रोडक्ट बेचना बेचना चाहते हो या आप कोई कपड़े की एडवर्टाइजमेंट में खड़े हो तब आपको ऐसा ही फ़ोटोशूट करना है जहाँ पे या तो उसके कपड़े दिख रहे हो या तो वो प्रोडक्ट दिख रहा हो जो भी है बाल अच्छे से दिख रहे हो अगर वो तेल का शैम्पू या उसका किसी का रहेगा तो अगर जो चीज़ आप बेचना चाहते हो बस वही चीज़ वो मॉडल पर सही ढंग से सामने वालों को दिखे वो हमारा पर्पज़ होता है और इसी के हिसाब से जो है आप मॉडल सिलेक्ट करोगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आपको चाहिए कि लड़की का लंबा घना बाल हो जो चमकते काले बाल हो आप ऐसी ही मॉडल को लेके आओगे अगर आपका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि नहीं यार एक मेल का मस्त आउटफिट है एकदम हीरो जैसा दिखता है तो आप ऐसे मेल को लेके आओगे जो तो थोड़ा सा मस्किल हो थोड़ा सा बॉडी जो उसका लंबा चौड़ा हो तो उसको है वैसे कपड़े अच्छे लगेंगे आप मॉडल वैसे ही सिलेक्ट करोगे जिस हिसाब से आप कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हो इसके बाद का जो है वो ये होता है कि आपने उसका मेकअप किया अभी मेकअप भी वैसा ही करोगे कभी कभी जो है हम लोग को ऐसा अगर आप कॉस्मेटिक्स की एडवर्टाइजमेंट देखोगे जो नाइका या मैक या ये सारी कॉस्मेटिक्स एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उनके चेहरे का मेकअप और जो यूजुअल मॉडलिंग का मेकअप होता है वो थोड़ा अलग होता है वहाँ पे जो है वो शायद लिपस्टिक का, का शेड दिखाना चाहते हैं या आई शेडों का शेड दिखाना चाहते हैं कभी कभी जो है वो ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं जहाँ पर जो है उनका उन्होंने उन, जो है ऐसे बाल रखे हुए हैं या उन्होंने ऐसी ज्वेलरी पहनी हुई है डिपेंड करता है कि क्या उनको आपको ज्वेलरी पर ध्यान देना है तो आप मेकअप थोड़ा सा सटल करोगे अगर उनकी जो लिपस्टिक या उनके प्रोडक्ट पर ध्यान आपको अगर डालना है सामने वाले का तो आप वैसे वैसे ही मेकअप करवाओगे तो उसी हिसाब से जो है आपको मेकअप करना है या तो फिर जो कपड़े मॉडल पहन रही है वो कपड़े के साथ एम्फोसाइज हो वैसा आपको मेकअप करना है अगर वो जो है एकदम ट्रेडिशनल कपड़े में हो तो उनको ट्रेडिशनल लुक वाला मेकअप चाहिए वैसा ही सब सीधे सी बात है ज़्यादातर ये डिसीजन तो मेकअप आर्टिस्ट लेती है पर एज अ फोटोग्राफ़र आपको मेकअप का नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या मेकअप करवाना चाहते हो इसके बाद का प्रोसेस है कि आपने उनका जो है आउटफिट सिलेक्ट किया एज अ फोटोग्राफ़र ये आपका काम नहीं है कि आप आउटफिट सेलेक्ट करो पर एज़ ए फोटोग्राफ़र आपको ये तो पता होना चाहिए कि यार ये कौन सा आउटफिट पहन रही है क्या पहनेगी कैसे चप्पल पहनेगी कैसी जो है उसकी एक्सेसरीज होगी मतलब वॉच कैसे पहनेगी ज्वेलरी कैसे पहनेगी ये सारे डिसीजन एक एक डिसीजन जो है एक एक एलिमेंट जो है वो फ़ोटो का वो सब मैटर करता है इसी जो है एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र आपको फ़ैशन स्टाइलिंग मतलब कैसे एक इंसान को रेडी करते हैं उसका भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए ये सारी चीज़ों से मिलता है कॉन्सैप्शुअलाइजेशन अभी जो है कॉन्सैप्शुलाइजेशन के बाद आता है स्टेप टू और वो है लोकेशन आप ये जो फोटोग्राफी है वो कहाँ करना चाहते हो क्या आप एक इंडोर फोटोशूट करना चाहते हो या आप एक आउटडोर फोटोशूट करना चाहते हो देखिए जब आप इंडोर में काम करते हो तब आप एक स्टूडियो के अंदर काम करते हो या फिर ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे जो सनलाइट है वो पहुँच नहीं रही है या तो सिर्फ वो विंडो के थ्रू पहुँच रही है जब आप इंडोर में काम करते हो आप अलग अलग लाइट्स लगा कर जो है फ़ोटोग्राफी करते हो और जब आप आउटडोर में काम करते हो आप सनलाइट में काम कर रहे हो नैचुरल लाइट में काम कर रहे हो बाय द वे ये दोनों के लिए हम लोग ने एक लाइटिंग वीडियो बनाया था एडवांस लाइटिंग वीडियो और बेसिक लाइटिंग वीडियो दोनों बनाया था यहाँ पर उसकी लिंक है चेक आउट प्लीज इस वीडियो के बाद ठीक है अभी जो है ये लोकेशन की जब हम बात कर रहे हैं जब आप आउटडोर की बात करते हो तो यही है कि आप ग्रीनरी वाला लोकेशन सिलेक्ट कर लेना चाहते हो या तो फिर बीच सिलेक्ट करना चाहते हो या फिर कोई मॉन्यूमेंट रहता है ना जैसे गेट ऑफ इंडिया है वहाँ पर जाके फोटोशूट करना चाहते हो कहाँ फोटो शूट करना चाहते हो अब वो किस कैसे कैसे ये कैसे ये डिसीजन लोगे जब जो है आप कपड़े देखोगे आपका जो थीम है वो देखोगे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई थीम है जहाँ पे जो लड़की है वो एकदम ही अच्छी दिख रही है और उसको जो है एकदम बीच फोटो शूट चाहिए उसने कपड़े भी एकदम फ्लोरल वगैरह ऐसे पहने हैं तो वो बीच पर अच्छा लगेगा पर जैसा ही आप बोलो कि नहीं यार एकदम ही स्टाइलिश कपड़े हैं एकदम लंबा सा गाउन है तो शायद वो गेट ऑफ इंडिया या ऐसे कोई लोकेशन में अच्छा लगेगा आपको जो है उसी हिसाब से आपका डिसीजन लेना है कि आपको जो कॉन्सेप्ट रेडी करना है उसी हिसाब से ये लोकेशन को सिलेक्ट करना है अभी जब आप इंडोर काम कर रहे हो जब आप एक्स्ट्रा लाइट्स के साथ काम कर रहे हो तब जो है आपको बैकग्राउंड सिलेक्शन करना पड़ेगा यूजुअली वाइट और ब्लैक ये दो कलर्स रिकमेंडेड हैं अगर आप बेसिक लेवल पे फैशन फ़ोटोग्राफी कर रहे हो तो ब्लैक और वाइट रखें क्योंकि क्या होता है कि ब्लैक और वाइट में आपको बैकग्राउंड चेंज करने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है मतलब आप फटाक से जो है बैकग्राउंड चेंज करके बैकग्राउंड कुछ नया डाल के उनके कपड़े के साथ मिक्सअप करके आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हो पर ये है थोड़ा सा आपको कम नेचुरल लगेगा अगर आपको एकदम ही नेचुरल रखना है तो आपको फिर चार पांच ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड खरीदने पड़ेंगे उनके कपड़े के हिसाब से अभी ये आपको एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है क्योंकि एक एक बैकग्राउंड दो चार हज़ार का तो आराम से आता है ठीक है कम से कम तो ये एक बात है तो यही आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट करना चाहते हो और आप उस हिसाब से कौन सा बैकग्राउंड रखोगे कौन सा कलर जो है उनके कपड़े के हिसाब से कॉन्ट्रास्टिंग लगेगा मतलब उनके कपड़े ब्लैक है और आपने बैकग्राउंड भी ब्लैक रख दिया तो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वाइट और ब्लैक का रखना है अगर आपको चाहिए तो आप दोनों कलर दोनों कलर ब्लैक कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट वैसा है तो अभी जो हमारा नेक्स्ट बात है वो है द स्टेप थ्री और इसका काम है लाइटिंग सेटअप आप चाहे इंडोर में काम कर रहे हो या आप आउटडोर में काम कर रहे हो आप जो लाइटिंग सेटअप करने वाले हो इसका भी आपको डिसीजन बहुत अच्छे से लेना है अगर आप इंडोर में काम कर रहे हो तो आप एक दो तीन पाँच लाइट के साथ काम कर सकते हो एक लाइट आप हेयर लाइट पे डालोगे एक लाइट आप मेन लाइट की तरह मतलब एक फेस पे डालोगे एक जो है जो शेडो एरिया अभी जो है एक लाइट फेस पे आ रही है दूसरा जो है उसका शेडो कवर करने के लिए आप थर्मोकॉल रख रहे हो या फिर दूसरी लाइट रख रहे हो पीछे की जो हेयर लाइट है उसके ऊपर आप और एक लाइट डाल रहे हो ऐसे करके आप तीन लाइट चार लाइट का भी काम कर सकते हो एक लाइट आप बैकग्राउंड में डाल सकते हो ऐसे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे अभी ये जो है वो एक बहुत ही डिटेल चीज़ है आप लाइटिंग वाले वीडियो में समझ सकते हो और थोड़ा जो है आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप और भी इसमें डिटेल में समझना चाहते हो इसीलिए जो है हम लोग ने कोर्स डिज़ाइन किया है जहाँ पर तीन तीन चार चार घंटे हम यही चीज़ को और डिटेल में लेके जा सकते हैं जो है हम लोग पूरा का पूरा वो चीज़ को यूट्यूब पर नहीं सिखा पा रहे हैं क्योंकि तीन तीन चार चार घंटे आप भी समझते हो जूम या ऐसी सारी जगह पे काम में आता है और वहीं पे हमारा जो है काम आप सीख सकते हो इसके बाद जो है जब आप आउटडोर में काम करते हो आउटडोर में भी भले ही आप सनलाइट के साथ काम करो पर अगर आप चाहो तो आप एक आउटडोर की जो लाइट आती है ना जो लाइट दूसरी लाइट जो स्टूडियो लाइट वगैरह होती है उसके साथ भी आप फोटोग्राफी कर सकते हो लाइटिंग का जो डिसीजन आप लेते हो उसमें आप दो इफ़ेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो एक होता है लो की लाइटिंग और दूसरा होता है हाई की लाइटिंग लो की लाइटिंग का मतलब होता है कि जो हाइलाइट्स और शेडोज़ होते हैं चेहरे पे वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं मतलब हाइलाइट्स बहुत ही हाइलाइटेड होता है और शेडो बहुत ही डार्क होता है जब ये हाईलाइट का ब्राइट और डार्क दोनों ज़्यादा होते हैं तब जो हम लोग उसको बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लो की लाइटिंग ओके और जैसे ही जो है हाइलाइट्स और शेडोज बड़े ही फैले हुए थे चेहरे पे इसको हम लोग बोलते हैं हाई की लाइटिंग आप चाहो तो पूरा चेहरा अच्छे से दिखा सकते हो हाई की तरह या फिर आप सिर्फ चेहरे का एक पार्ट दिखा सकते हो लोकी की तरह यही एक अलग अलग लाइटिंग सेटअप का कमाल है जो आपको करना होता है और क्लाइंट को अलग अलग वेरिएशन में काम दो कभी आप लो की में काम दो कभी आप हाई की में काम को डिपेंड करता है कि आपको सामने वालों को क्या दिखाना है तो आप देख सकते हो ये चिराग आया है चिराग हम लोग को हेल्प करने वाला है लाइट को सेटअप करने के लिए हाय तो <laughs> ये देखो चिराग अभी ये आगे बैठे हैं हमारे सामने बैठे हैं और चिराग सेटअप करने वाला है चिराग आज ने आ लाइट यहाँ ले लें अने ओली चिराग ये वाला लाइट यहाँ पे ले ले और वो जो दूसरा वाला लाइट है उसके पीछे जाके रख दे ये ये वाला लाइट यहाँ पर और वो जो दूसरा लाइट है उसके पीछे अभी मैंने ये लाइटिंग सेटअप क्यों किया है ये वन जो 45 डिग्री है लाइटिंग का वो ये 45 डिग्री है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ लाइट है उनका फ़ेस अच्छे से लिट हो जाएगा और हम लोग को जो क्लोजअप फ़ोटो लेना है वो इसमें से बहुत अच्छे से ले पाएंगे और अभी ये जो लाइट है यहाँ पे हम लोग ने वन बाई फोर रखा है और वहाँ पे कितना है वन बाई सिक्सटीन है आ, चलेगा वन बाई सिक्सटीन है मतलब इसका जो लाइटिंग का पावर है ये इससे काफ़ी कम है ठीक है तीन गुना कम है तो देखते हैं चालू करके कैसा लग रहा है इसके बाद का जो मेन पॉइंट है वो होता है कैमरा सेटिंग्स कैसे हम जो है कैमरा सेटिंग्स करें देखिए आउटडोर के जो कैमरा सेटिंग्स होते हैं वो ऑलरेडी हम लोग ने इस वीडियो में समझाया है आप इस वीडियो के बाद वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो डिटेल में कैमरा सेटिंग समझाया है अभी एक वीडियो में तो सब कुछ तो आ नहीं सकता इसीलिए आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो डिटेल में समझाया है पर अगर आप चाहो कि आपको इंडोर लाइटिंग सेटअप सीखना है मतलब उसके भी कैमरा सेटिंग सीखने हैं वो हम लोग ने ये वाले वीडियो में समझाया है जहाँ पर जो है आप कैमरा सेटिंग्स डिटेल में वहाँ पर समझ सकते हो अभी जो है अगर मुझे आपको समझाना हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं स्टूडियो के अंदर एक मैनुअल मोड सिलेक्ट कर रही हूँ आई जो है वो सौ से दो के बीच में रखा है एपेचर मैंने एफ़ सिक्स पॉइंट थ्री रखा है और शटर जो है मैंने वन बाई वन ट्वेंटी फाइव रखा है ये कैमरा की सेटिंग्स के साथ जो है मैं पूरा फोटोशूट कर रही हूँ इसके बाद आता है पोजिंग ये सबसे मेन है और सबसे काम वाला काम है क्योंकि यार कैसे पोजेस दे मॉडल तो बड़ी अच्छी है अच्छे आ गई सामने पर अब करवाए क्या एज अ फोटोग्राफर पोजिंग का काम तो मॉडल आपको ही बोलेगी कि मैं कैसे खड़ी रहूँ ऐसे या वैसे देखो जो सबसे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मॉडल होती है ना मतलब जो मॉडलिंग करना चाहती है उनको शायद आपको समझाना भी ना पड़े वो अपने हिसाब से ऐसा खड़ 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 चालू हो जाएगी आपके सामने खड़ी हो जाएगी पर जो नए लोग हैं या नई मॉडल्स हैं या फिर अच्छी मॉडल्स भी क्यों ना हो उनको जो सही लगता है एज़ अ फोटोग्राफ़र वो आपका ही विजन है आप ही उनको बोल सकते हो कि आप ऐसे नहीं वैसे खड़े रहो वैसे नहीं वैसे खड़े रहो तो ये जो पोजिंग का बात है उसमें आपको ये देखना है कि उसका बॉडी का कोई भी पार्ट हैवी ना दिखे उसके आर्म पिट्स ज़्यादा ना दिख जाए उसका जो ये बाइसेप्स है वो ज़्यादा ना दिख जाए उसका चेहरा छोटा दिख रहा है उसकी जो चेस्ट पार्ट है वो ज़्यादा दिख रहा है ऐसी गलती कभी ना करें उनका जो कोई भी शारीर का अंग है वो ज़्यादा हैवी या खराब नहीं दिखना चाहिए क्रिएटिविटी की वाइज बराबर है पर आप समझ रहे हो कोई भी चीज़ हैवी नहीं दिखनी चाहिए कोई भी चीज़ कैमरे को ज़्यादा फेसिंग नहीं होनी चाहिए सब एकदम सरीखा होना चाहिए उनको वैसे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा करेक्ट करना पड़ेगा अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का एक वीडियो अपलोड किया था आप उसको चेक कर सकते हो वहाँ पर मैंने और भी ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल समझाए हैं तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि आप कैसे पिंटरेस्ट में ठीक है पिंटरेस्ट एक ऐप है ठीक है आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो वो पिंटरेस्ट सर्च इंजन अच्छा है अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए इंस्पिरेशन का मतलब है कि आप जो है प्रेरणा लेते हो कि आप कैसे फ़ोटोज़ खींचना चाहते हो कैसे पोजेज़ आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो देखिए आप यहाँ हो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके कपड़ों के हिसाब से ठीक है और इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सा अच्छा लगेगा देखो यहाँ पे ना कुछ अजीब अजीब से भी कुछ पोज़ेस लगेंगे आपको और ये खुद वैसे पोजेस करेंगे भी नहीं ठीक है और उनको वो सूट भी नहीं होगा बड़ी अजीब दिखेंगे अगर वो ऐसा पोजेस करेंगे तो आपको ये देखना है जैसे ये सिंपल पोज है और ये अच्छा भी लग रहा है तो ऐसे कोई पोजेस लो जो थोड़ा सा जो मॉडल है जो फोटोग्राफी जो करवाने वाले हैं उनको अच्छा लगे कोई लड़की बड़ी चुलबुली होती है तो मैं इनको सीरियस फ़ोटो आप दे ही नहीं सकते हो ठीक है तो फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से आप वैसे ही फ़नी फ़ोटो सेलेक्ट करते हो अभी इनकी पर्सनैलिटी आप देखिए थोड़ा सा थोड़ा सा ये है प्रोफेशनल लुक है फिर साथ ही साथ थोड़ा सा सटल लुक है थोड़ा सोफिस्टिकेशन है अभी यहाँ पर आप एकदम ही थोड़ा सा ये ऐसे कुछ अजीब ही फ़ोटोज़ दे दोगे अगर ऐसा कुछ अजीब ही कुछ पोजेज दे दोगे ठीक है तो ये उनको अच्छा ये थोड़ी सी बोल्ड लुक है ठीक है ये उनको शायद अच्छा ना भी लगे पर अगर ऐसा कुछ सिलेक्ट करोगे जो इनके पर्सनैलिटी के हिसाब से होगा तो आप फिर देखो जैसे कि देखो जैसे कि ये फोटो जो है थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड भी लग रहा है ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ से इसको यार डाउनलोड कर दिया और फिर हम लोग एक साथ ये सारे फोटोज़ के जो पोजेज है वो यहाँ पे करवाएंगे इनके पास ठीक है और ये देख देख के उनको भी पता चल जाएगा ठीक है मेरे को ऐसा पोज करना है आप खुद वहाँ पे सोचोगे और उनको दोगे टाइम भी उतना लगेगा और उनको भी ऐसा लगेगा आप भी पोजेस पर शॉर्ट आउट हो जाओगे कि मैं क्या पोजेस दूँ तो ऐसे आपको पोजेस का चार्ट बनाना है जब आप पोजेस का चार्ट मांग रहे थे मेरे पास वो आपको बनाना है पिंटरेस्ट पर जाके बस ऐसे फोटोज को डाउनलोड करना है और एकदम सिंपल सा प्रोसेस है जैसे कि ये पोज पोज आप देख लो बड़ा ही सिंपल और अच्छा पोज है वो कर भी पाएंगे और अच्छा भी लगेगा उनपे तो मैंने इसको ऐसे डाउनलोड कर दिया और कुछ जो है वो एक्सपीरियंस के साथ आ ही जाता है क्योंकि आप इतने टाइम से ये काम कर रहे हो तो आप दे भी पाते हो तो आप देख सकते हो ये चिराग आया है चिराग हम लोग को हेल्प करने वाला है लाइट को सेटअप करने के लिए हाय तो ये देखो चिराग अभी ये आगे बैठे हैं हमारे सामने बैठे हैं और चिराग सेटअप करने वाला है चिराग आज आ लाइट यहाँ ले लें या ओली चिराग ये वाला लाइट यहाँ पर ले लें और वो जो दूसरा वाला लाइट है उसके पीछे जाके रख दे ये ये वाला लाइट यहाँ पर और वो जो दूसरा लाइट है उसके पीछे अभी मैंने ये लाइटिंग सेटअप क्यों किया है ये वन जो 45 डिग्री है लाइटिंग का वो ये 45 डिग्री है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ लाइट है उनका फेस अच्छे से लिट हो जाएगा और हम लोग को जो क्लोजअप फ़ोटो लेना है वो इसमें से बहुत अच्छे से ले पाएंगे और अभी ये जो लाइट है यहाँ पे हम लोग ने वन बाई फोर रखा है और वहाँ पे कितना है वन बाई सिक्सटीन है आ, चलेगा वन बाई सिक्सटीन है मतलब इसका जो लाइटिंग का पावर है ये इससे काफ़ी कम है ठीक है तीन गुना कम है तो देखते हैं चालू करके कैसा लग रहा है ठीक है सेटिंग्स में क्या रख रही हूँ काफ़ी लोग पूछेंगे क्या सेटिंग रखा है तो देखो सेटिंग में एक तो मैंने रखा है मैनुअल मोड में फ्लैश फोटोग्राफी कर रही हूँ ये फ्लैश इज है राइट तो ये मैनुअल मोड पे रखा है ठीक है मैनुअल मोड के बाद यहाँ पे जो आईएसओ है आप समझ लीजिए सौ पे रखोगे तो चलेगा कम से कम आईएसओ रखिए क्योंकि हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए ऑप्शन यहीं से है और ये आई जो अपना शटर स्पीड है वो वन बाई है इसको हम लोग कैलविन जो है चार हज़ार सात सौ कर रहे हैं अभी के लिए बस इतना ही सेटअप है और फोटोग्राफी शुरू कर रहे हैं काफ़ी लोग मुझे फोकसिंग पॉइंट्स का पूछते हैं फोकसिंग पॉइंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो है फोकसिंग पॉइंट वन पॉइंट फोकस है ये फ्लेक्सी जोन रखा है ऑटो फोकस जो है वो सिंपल सामने से रखा हुआ है तो लेट्स स्टार्ट आप इनको जो है मैं पोजेज़ दिखा रही हूँ कि उनको कैसे पोज करना है ठीक है सबसे पहले तो एक टेस्ट कर लेते हैं एक सेकेंड ऊबर ये इनको यहाँ पे रखा है ताकि वो उनको बारी बारी वो पोज दिखा सके सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि फ़ोटो अच्छा आ रहा है या कैसे है फ़ोटो की क्वालिटी में ऐसा है कि फ़ोटो थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है ठीक है आप चाहो इसकी इंटेंसिटी कम कर दो मैंने वन बाई फोर की है अभी इसको मैं कर रही हूँ वन बाई सिक्सटीन वन बाई सिक्सटीन करने के बाद देखते हैं ये देखो फ़ोटो कितना अच्छा आ रहा है जो कलर्स है वो भी बड़े अच्छे आ रहे हैं और लाइट जो है पीछे से की जो कट लाइट है वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है ये वन बाई सिक्सटीन के बदले इसको वन बाई एट कर दो मतलब अब ये वन बाई सिक्सटीन होगा ये वन बाई सिक्सटीन होगा और ये वन बाई एट होगा और अगर आप देखोगे तो लाइट का डायरेक्शन सही नहीं है नाक पे कभी भी कट लाइट नहीं आनी चाहिए कट लाइट आपके हेयर के लिए थी ये हेयर लाइट का ही कही जाती है नोज़ लाइट नहीं कही जाती है नोज पे नहीं आना चाहिए था तो ये जो है ये लाइट को थोड़ा पीछे लेके चले जाओ ठीक है और ये जो फेस की लाइट है ये भी मुझे एकदम सही नहीं लगी मतलब ये जो है रैमरा प्रॉपर रैमरा नहीं है ठीक है आप इसका जो नाक देखोगे इसके नीचे का जो शेडो वगैरह है ये मुझे चाहिए उतना ढंग से नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे इसकी जो डायरेक्शन है इसको ऊंचा कर दिया हम लोग ने अब सामने देखो और आज सीधूच और अब देखते हैं कैसा आ रहा है आंखें बंद हो गए <laughs> देखो अभी इनकी जो लाइट है कितनी अमेजिंग लग रही है उनके बालों पे इनके फेस पे ठीक है अभी भी मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा आगे ले तो बेहतर लगेगा उनका फेस कुछ और इसको जो है इसका फ्लेयर आ रहा है ठीक है इनके ऊपर फ्लेयर आ रहा है ये तो आखिर लाइट जो जो पूरी लाइट मेरे सामने है कैमरा के सामने फेस कर रही है वो फ़ेस नहीं करनी चाहिए जो लाइट है उसका जो डायरेक्शन है उसको ऐसे मुड़ा दो इस तरफ मुड़ा दो थोड़ा आगे लेके आओ नहीं उतना नहीं थोड़ा सा पीछे और मुड़ा मुड़ा उनके तरफ मेरे इसके मेरे कैमरा के सामने नहीं आना चाहिए और ऊपर से जो है इसका डायरेक्शन ऐसे नीचे कर दो हाँ देखो अब कितना मस्त फोटो आ रहा है देखो मैं दिखाऊं एकदम शार्प फोटो है अगर आप क्वालिटी देखो फोटो की स्किन टोन देखो कटलाइट देखो एकदम अच्छा लग रहा है अभी एक बार जब लाइटिंग सेटअप हो जाए फिर कोई टेंशन ही नहीं, नहीं है फिर आप अपनी धुन में पूरी फोटोग्राफी कर सकते हो सबसे पहले लाइटिंग सही होनी चाहिए पता चला लाइटिंग में ही गड़बड़े और आप चले पूरी नया आगे लगाने तो होगा नहीं so, अभी इसको वन बाय वन जैसे है इसमें से जो भी आपको पोजेज अच्छे लग रहे हैं इसको आप पोज कीजिए इसको अनेक्ट करते करते और फिर अभी देखो वो पोज करेंगे उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको क्या सूट हो रहा है वो वहाँ पे देख के कर रहे हैं एंड हम लोग बोलेंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर दो ठीक है थोड़े से जो करेक्शन है आपको पीछे से बोलना है जो मेन कंपोजिशन था उनकी फोटोग्राफी का वो बहुत ही अच्छा था अगर आप देखोगे तो ऐसा तो ही कुछ कंपोजिशन हम लोग आज करने वाले हैं है 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 अभी अभी तू जरा करे ना तेरा आम, आम, हाँ। आ, आम नाम करना हाँ अभी इनका जो नेचुरल एलिमेंट है वो आपको ढूंढना है और फिर फोटोग्राफी करनी है लाइट नहीं समझो थोड़ा लाइट ना सामी लाइट थोड़ा नीचे जो थोड़ा नीचे हाँ है है देखो ये एकदम अच्छा आया इनका फोटो आई थी आ नीचे हाँ बॉडी स्ट्रेट कर आम जाओ वाला लाइट आम जाओ स्माइल आम थोड़ा आम जाओ हस 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 मेरे सामने थोड़ा वन टू थ्री गो थोड़ो आग, थोड़ो आग। थोड़ो निखे निखे इसके बाद आता है कि आप जो है पोजिंग तो कर लिया हाँ मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे खड़ी हूँ मैं बहुत अच्छे से मेरे पे चेहरे पे लाइट भी आ रही है पर बात यह है कि अगर एक्सप्रेशंस खराब होंगे मतलब मैं कितना भी अच्छा पोज कर लूँ कितने भी अच्छी लाइट लग लूँ पर जो मेरा पोज जो मेरा चेहरा है उसमें ही कोई जान नहीं है तो कैसे अच्छा लगेगा आपके फ़ोटोज़ में जान तभी आती है एक जब लाइटिंग अच्छी होती है दूसरा जब एक्सप्रेशन अच्छा होता है काफ़ी लोग अपने स्टूडियो का नाम जो जो लोग बड़े बड़े स्टूडियो नहीं है करते हैं बनाते हैं स्टूडियो का नाम एक्सप्रेशंस रखते हैं क्यों क्योंकि वो जानते हैं कि एक्सप्रेशन की कितनी वैल्यू है जब वो स्माइल करती है हंसती है या फिर जो है थोड़ा सा एक एटीट्यूड दे देती है या फिर अपनी पलके झपका के ब्लश करती है ये सारे अलग अलग एक्सप्रेशन है इसको आपको कैप्चर करना सीखना है एक्सप्रेशन बहुत ही यूनिक चीज़ है और लोगों एक प्रो टिप में आपको बताऊं लोगों का यही गलती हो जाता है एक्सप्रेशन के नाम पे हाँ हंस दो हंस दो हाँ रो दो रो दो हाँ ऐसे देख लो वैसे देख लो कुछ आप करिए अरे वो क्या करेगी वो ऐसे कैसे क्या करेगी एज अ फोटोग्राफर आपको बोलना पड़ेगा अच्छा मैडम आप देखो थोड़ा थोड़ा जो आप वो फील करना आप जो आप, आप जो फील कर रहे हो ना अभी आपको जो है ना थोड़ा सा हंसना है ये करना है वो करना है वो तब के तब हँसेगी नहीं पर धीरे 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 वो थोड़ी सी हंसेगी थोड़ी सी आपके साथ मिक्सअप होगी कैमेरा कैमरा के सामने कम्फर्टेबल हो जाएगी और फिर आपको अमेजिंग फोटोज़ मिलेंगे एक्सप्रेशन का की ये है कि आप थोड़ा सा ठहरी इसके बाद जो नेक्स्ट आता है और वो ये है कि आप जो भी फोटोज खींचते हो रॉ फोटोज़ होते हैं ठीक है ठीके? ये रॉ रॉ में खींचे गए हैं अभी है ये रॉ फोटोज अगर आप क्लाइंट को दे दोगे तो अच्छा नहीं लगता है आपको जो है ये रॉ फोटोज़ को करेक्ट करना है लाइट रूम फोटोशॉप ये दो अच्छे से अच्छे टूल है फ़ोटोशॉप का करेक्शन करने के लिए पहले फोटोज़ का करेक्शन करो उनका जो स्किन है वो स्किन अच्छा दिखना चाहिए मतलब तो ग्रीन टोन मजेंटा टोन रेड टोन ऐसे सारे टोन्स नहीं होने चाहिए और एकदम प्रॉपर एकदम स्मूथ स्किन टोन होना चाहिए जो देखने को अच्छा लगे अभी इसमें कोई इफेक्ट विफेक्ट अभी के लिए मत डालो बाद में डालना पहले उसको स्किन टोन के हिसाब से सेट कर दो इसके बाद जो है आपको इसको फोटोशॉप में लेके जाना चाहिए फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड चेंज करो चाहो तो उसमें सारी अलग अलग इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो इसका जो स्किन का टचअप है मतलब यहाँ पे पिंपल हो ये पिंपल है वो सब आपको कितने यूट्यूब पे वीडियोस है स्किन रीटचिंग के ऊपर जहाँ पे आप जो है पूरी की पूरी स्किन रीटच कर सकते हो यहाँ पे जो शेडो होते हैं हो, उसको साफ़ कर सकते हो एकदम हीरोइन हीरोइन अगर अगर यूजली देखोगे तो उनके भी चेहरे पर सब डॉट डॉट होता ही है पर जैसे ही वो फोटोज में कितनी एकदम हीरोइन क्यों क्योंकि एकदम एकदम फोटो के टचअप मस्त किया रहता है एकदम अच्छा तो मस्त टचअप हो जाए ऐसा कुछ करना चाहिए ये हो जाए उसके बाद क्लाइंट को पूछना होता है क्या आपको इसका हार्ड कॉपी चाहिए या सॉफ्ट कॉपी चाहिए मतलब प्रिंट चाहिए या मैं मेल कर दूँ हाई रेजोल्यूशन में ये फोटोज़ को लो और उसको मेल कर दो अभी वो क्लाइंट को पूछो कि उनको क्या चाहिए उस हिसाब से आप उनको डिलीवरेबल कर दो इसके बाद जो है आपको जो है इस चैनल को करना चाहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये एक वीडियो था जो मैंने आपके लिए बनाया था ताकि आप जो है काफ़ी कुछ सीख सको इंस्टाग्राम का जो हमारा जो पेज है वो कितना एक्टिव है यार कितना मेहनत करते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे हम लोग कितना मेहनत करते हैं पर मैं देख रही हूँ कि जितने लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं ना वो वहाँ पे आके इतना फॉलो तो करते नहीं हो आपके लिए तो वो इंस्टाग्राम बनाया हुआ है गो देर जस्ट फॉलो चेकआउट द पोस्ट कुछ सीख लो भाई वहाँ से भी आपको बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट मिलेगा और जो है इंस्टाग्राम पर हम लोग को फॉलो कीजिए थैंक यू सो मच सी यू सुन